तो आगे से सुहेदी वॉइस सिंगल्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से खेलने जाए पोकेमोन जेनोवर्स। लास्ट एपिसोड में हमें मिल गया था हमारा सेकेंड जिम बैज और ये रहे मेरे पोकेमोन्स कार्साउट इलेक्टबर्स ब्रेमेन सार्पीडो और मैंने नया एस्मॉन पकड़ा है। तो आज हम थर्ड जिम को तो तुमने प्राइज पाते लिए हाँ, पर तुम नहीं सोच सकते कि तुम मुझे हरा सकते, मैं रानी हूँ ही। इससे पहले कि हम शुरू करें मुझे गोल्डन कप और गोल्डन स्पून पकड़ा दो। यम, अब मेरे को आइसक्रीम चाहिए। डिलीशियस, तुम मेरे को मिठाई से भी हरा सकते हो, तुम जानते हो। मेरे स्वीट एंड क्यूट पोकेमोन तुम्हें असली सूर्य का टेस्ट कराएंगे। मिल्की वे की रानी छाने के तैयार हो जाओ। ओके, तो अब बैटल के तैयार हैं हम। ओके मिमिक्यू, ओके जाओ कार्साउट, अपना एम्बर ट्राई करो। ओके डेजलोय सिखा थोड़ी बात नहीं। ओके डेजलिंग ग्लैम तो कोई असर नहीं हुआ फिलहाल। एम्बर चल तेरा कार्साउट, तुम चल सकते हो। ओके और सुपर पोजन दी कोई बात नहीं। एम्बर, बस एम्बर चलते रहो, शैडो स्नीक ये सब का कोई असर नहीं होगा, मेरे पोकेमॉन्स बहुत लेवल अप है। ओके तो कार्साउट कमाल चल रहा है, एम्बर चलते रहो कार्साउट, तुम इस तरह आ सकते हो। ओके अब आ रहा है स्लर्पफ या अजीब सी कॉटन कैंडी। ओके एम्बर से इसको भी जला डालो। ओके कार्साउट इस तरह आने में जितना भी मेहनत लगे कर लो, फिर बाद में तुम्हें मस्त डिलीशियस फूड दूंगा मैं ही। ओके चलो स्लर्पफ गई क्या, हाँ गई। अब बचा इसका स्मियर जेल। ओके स्मियर जेल ये बेकरी वाला लग रहा है। ओके जला डाला। ओके कार्साउट कोई बात नहीं, अगर तुम हार जाते हो तो। ओके ओके तो फाइनली हमने स्मियर जेल को भी हरा दिया और हमें हमारा थर्ड बैज भी मिल गया। पर मैं प्रिंसेस हूँ। हाँ तो मैं सिर्फ हारी हूँ, कोई रोना धोना नहीं, मैं प्रिंसेस भी हूँ और जिम लीडर। मैं अपने आप को स्पॉइल चाइल्ड जैसे तो नहीं बनाना चाहती, मैं बस इन दोनों रोल्स को निभाना चाहती हूँ। पर मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बैटल स्टाइल से मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। प्लीज़, मैंने जिम लीडर होते हुए बहुत कुछ सीखा है, पर शायद अरमान ज़रूर हेल्प कर सके खैस में याटी खोलने के लिए। मैं तुम्हें एक तो चीज देना चाहती हूँ जो कि है TM14 या 4 जो भी हो 94। ये डेजली ग्लैम है, ये पावरफुल फेरी टाइप मूव, इससे तुम डायरियन को हरा सकते हो। और एज ए जिम लीडर मैं तुम्हें सूर्य बैज भी देना चाहती हूँ कि वाओ हमें मिल गया हमारा थर्ड सूर्य बैज। ये तुम्हें तुम्हारे ट्रेनर एडवेंचर को कंटिन्यू करने में और हेल्प करेगा। तुम एक बार यहाँ जरूर आना वापस, ठीक है। ओके क्वीन हम वापस आएंगे, चलो अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ओके तो आज के इस एपिसोड में हमने इतनी धमाल और कमाल किया, अगले एपिसोड में हम और भी धमाल करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ये रास्ता कहाँ जाएगा। आइडियाज़ अब हमें जाना है जेनोलेक को ढूंढने, पर आइडियाज़ हमें ग्रेविटी केव जाना है क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आई होप कि हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएँ और ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर जाए। तो पहले हम आ ही गए ग्रेविटी केव में। ओके ये क्या लिखा है, सलमान अमर रॉपर से बात करने में वो बहुत अच्छा है। ओ तो क्या तुम हो रॉपर? नहीं। हे तुम कभी रिसर्च करो, अंडर एस्टिमेट मत करना। ओके तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।